नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जर्मनी में रहते हुए जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ आप भी पहुँचेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग आए हुए हैं ड्यूसबर्ग के ज़ू में। अगर आप जर्मनी के किसी भी सिटी में रहते हैं, जैसे डसलडॉर्फ या आसपास की जो भी सिटीज़ हैं, तो इस ज़ू में मस्ट विज़िट बनता है। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। एक अडल्ट का टिकट यहाँ का होता है 16 यूरोस का, और अगर आप फैमिली के साथ विजिट करेंगे जिसमें दो अडल्ट और दो बच्चे इंक्लूड होंगे, तो आपको ये टिकट लगेगा 43 यूरोस का। मुझे लगता है वर्थ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप उन जानवरों को देख पाएंगे जो टेम्परेट जोन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर जानवर की अपनी टेम्परेचर की नीड होती है, उसका सर्वाइवल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा एक चिड़ियाघर है। नंबर ऑफ एनिमल्स की बात करें तो दिल्ली के चिड़ियाघर से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये कम लगेंगे। जैसे बर्ड्स बहुत तरीके की नहीं है, उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि टेम्परेट जोन है, यहाँ बहुत स्नोफॉल पड़ता है, बहुत बारिश होती है, एकदम से गर्मी हो जाती है। तो ये सर्वाइवल के लिए, बर्ड्स के लिए और कुछ स्पेसिफिक जानवरों के सर्वाइवल के लिए एक अनुकूल एनवायरमेंट नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो एनिमल्स जो इस क्लाइमेट स्पेसिफिक हैं, इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और बहुत रेयरली आप उसे हमारे जो इंडिया में चिड़ियाघर हैं वहाँ पर बहुत रेयरली देख पाएंगे, क्योंकि वो क्लाइमेट स्पेसिफिक है। तो उनको कवर करने की कोशिश की गई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इनको बच्चों को ज़रूर दिखाएँ, जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये पर्टिकुलर जू की विजिट कैसी लगी। तो आज हम आए हैं ड्यूसबर्ग के एक जू में, चिड़ियाघर में, और हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हमने बाहर ली है सबसे पहले एक टिकट। इस टिकट में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा 7 साल का, तो एक फैमिली टिकट जो हमें कॉस्ट करी है 43 यूरोस। पहले हमें दिखा है क्या, जिराफ। हाँ, सुपर सुपर। क्या लग रहा है मुझे तो? Let's go to see animals. Okay. Hold on. And oh my god. I'm on. Hello. इतना बड़ा है ना। नाप देखते इसका शरीर का, बड़ा खड़ा होगा ये, मोटा वाला शीशा है। तो इधर बहुत सारे जानवर हैं, धूप निकली हुई है, कुछ अपने बिलों के अंदर हैं, कुछ बड़े कॉमन है हम लोग यहाँ भी होते हैं, वो मैं नहीं कर रही कवर। सच बताऊँ मैं तो थक गई हूँ चल चल के। सींग देखिए आप इनके, वाओ क्या बात है, क्या बात है। इससे देखो, इसको देखने के लिए दूरबीन की क्या जरूरत है, सामने तो दिख रहा है। हेलो, कैन यू लुक एट मी। सींग देखो इसके, इसकी खासियत है इसके सींग। ऐसे नहीं लग रहा सबको शेव करके रखा हुआ है, कितनी सुंदर तरीके से दिख रही है। पहली बार गाइस इसके सींग देख रहे हैं। भाई साहब, लड़ लो आपस में, जरा एक शो दिखाओ। बुल है, बुल है, वाइल्ड बुल है, वाइल्ड बुल है। तो इसका हम क्यों नहीं निकला है, बहुत सारा हम होना चाहिए ना इसको। ये कौन सा प्राणी है, कांटे वाला प्राणी, कांटे वाला प्राणी उठेगा कब भाई, उठो, इंडिया से देखने आए तुमको, कोई तरीका है ये, पैसे दिए हैं, 2 मिनट के लिए उठ जाओ फिर सो जाना। कहाँ है वो छुटका सा तुम्हारे, ये रहो, तुमको निराश नहीं करेंगे बाबा। कम आउट, कम आउट, पत्थर मार के उठा। नहीं नहीं नहीं, पत्थर नहीं मारना, डोंट डू दैट। सोने दो भाई, सबकी जिंदगी है, सो लो भाई।
आजो 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 बाहर आजो बाहर आजो, कम 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 आउट, यस हेलो, आ जाने जा, व्हाट अ क्रिएचर, ये देखो ये देखो ये देखो, वाओ, कितना प्रिटी लग रहा है, वाओ, इतना डेलिकेसी के साथ रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे टैडी को बिठा दिया ना, दिस इज व्हाट वी कॉल खोआला, खोआला, हेलो भैया जी प्रणाम, बड़े ही लेजी टाइप क्रिएचर हैं, कैसे पड़े हुए हैं ब्रांचेस के बीच में, दे आर नोन फॉर देयर शार्प नेल्स, यू नो दैट, ये ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, है ना, हिलते नहीं, ऐसे लाश की तरह पड़े हुए हैं, खाते पीते भी होंगे, पड़ा हुआ खाना, कहाँ पड़ा है खाना, बोल इस, ये खाने जाते होंगे या इनके मुंह में ला के डाला जाता होगा, ओ माई गॉड दे सीम सो आइडल, ये आ गए हमारे ज़ेब्रा भाई साहब, ये भी पूरी फैमिली में रह रहे हैं, तीन ये छः, लुक एट मी, हे कम बैक कम बैक, भेड़िए भी सफेद होते हैं, हाँ मेरा हाथ करंट लग गया है, कार में करंट है, लगाने की आपको अच्छा इसलिए ना कि ये बाहर ना आए, चल ले रहा था अंदर से, अरे यार आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, बगीरा है बगीरा, हाँ अरे तो है पेंगुइन है, बॉक्स शो में पेंगुइन, आ द पेंगुइन्स, अरे कुल 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 चल चल सब ऐसा लोग का ओहो मस्ती में है, मस्ती में ओहो दे कैन गो टू हाइट्स, वाओ बर्ड को पकड़ने के लिए, हाँ अरे आराम से नीचे उतरो नीचे उतरो बेटा, वो तो कूद के बाहर, ये देखो ये देखो ये देखो क्या बात है, ओहो ऑल शी वांट्स रेड चिड़िया, वेट कितना है इनका ये देखो, तभी दम है बेचारियों में ना अपना, 150 किलो का ये देखो ये देखो, मतलब सोचो ओह केवल अपने विंग्स पे अपने वजन को उठाना है, ये देखो चिड़िया की वजह से हम लोग इसे देख पाए, लाइफ में ऐसे तमाशे होते हैं, किसी की वजह से कोई नाचता है, फिर अंदर चले यार हटाओ नहीं चाहिए हार मान, जर्मन में लिखते हैं, चल भाई ऊपर चल,
देख हार नहीं मान रही है। और कैप्चर करो, क्रीचर है ना, इनको देखते ही रहो, कितने घंटों तक देखते रहो, कितने घंटे तक देखते रहो, एक बार पानी आएगा तो फिर चल गया। का फ्लाइट्स देख लिए, रॉबिन, खालसा, लावन, ये सब देखना है अभी अपन को। लॉइन देखते हैं। आओ अनिका, अनिया लॉइन, ऐसा लग रहा है हमारे लिए निकल के आया ऊपर है। थैंक यू भाई साहब। अब बात है, हाँ दे हैव गॉट सम फ्लैश टू ईट आई बिलीव, है ना। भाई ऐसी दहाड़ लगाएगा ना, बिना पासपोर्ट के तुम इंडिया पहुंचोगे। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। ये है पहाड़ी ऊंट, वाह। और ये लीचिंग की जा रही है, मतलब इनके शरीर पर जो बाल है, बालों को निकाला जा रहा है, फ्लीस निकाली जा रही है इनकी। ये फ्लीस से पता है क्या क्या बनता है, गरम चीज़ें बनती हैं, कालीन बनते हैं, कपड़े बनते हैं, गरम कपड़े बनते हैं। ये फाइबर है, ये एनिमल फाइबर्स हैं जो क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ते हैं ना, दे गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन। हाँ चाचा चौधरी कौन, गिद्ध, वल्चर्स, बहुत चंचल है भाई, ये ना रुकते। तुम्हारे बिन समाए, और मे बी सम अदर एनिमल, आई विल हैव टू सी, आई विल हैव टू चेक। इनका मुंह कुछ अलग सा है, ऐसा लग रहा है क्लीन शेव करके घुमा रहे हैं। हेलो वालारू, हेलो वालारू, ये कॉल इट वालारू। ये वो जानवर हैं जो हमारे इंडिया में हमको नहीं मिलेंगे, ये कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक होते हैं, जलवायु के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से पाए जाते हैं। अब वाओ सुपर्ब भाई, एक बार फिर से कूदो, अच्छे लग रहे थे तुम इतने, कूदो 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 भाई, एक बार फिर से कूदो। हाँ मुर्गियाँ देखो साथ रह रही है इसके, एक ही बर्तन में दोनों खाना खा रहे हैं, इसे कहते हैं भाईचारा। कूदा 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 ही कूदने वाले, देखो चल भाई चल, ये चलो चलो चलो, ओए हाय देखियो देखियो, ओए शाबाशे शाबाशे। घर कितना सुंदर बनाया है इनका, देखा है रूरल एरियाज में ये बहुत होते हैं। ये सही है, जू के साथ साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। वाओ हेलो, ये तो चूहे की तरह लग रहे हैं। नो, नेवला होता है, नेवला सांप को यही मार पाता है पता है। उल्लू भाई साहब सफेद, अंधेरा पसंद है बिल्कुल सफेद। हेलो आ गया खाना, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया भाई, खाना आ गया, खाना आ गया, वाओ। कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं, ये हमारी तरफ नहीं मिलती है, इंडिया में ये नहीं मिलते हैं, ये मंगूस की ही वैरायटी आई बिलीव। वाओ क्या दिक्कत है, मीर काट बोलते हैं, वी कॉल इट मीर काट। कैसे से जानवर हैं ये, तो हमने कभी नहीं देखे, बहुत छोटे हैं साइज में। ये हैं ऑस्ट्रिच भाई साहब, ये बैठे हुए हैं, वो देखिए यहाँ खड़े हुए हैं। वाओ ये बच्चे, ये है क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
ऐसा लग रहा है इसको सपोर्ट कर रहा है पूरा। ओ वाओ सुपर्ब मजेदार। ओ चम्मच की आवाज है। कुछ खाने के लिए खोला है क्या? शायद खाने के लिए। ओ वाओ यौरी कितना जाइंट टाइप से है ना। ये भी बर्ड है, ये भी क्रीचर है। यहाँ से नीचे जाएगा बंदा। ओ नीचे नीचे जाते हैं, अंडरग्राउंड ही जाते हैं ये बंदा नीचे। अरे क्या कर रहा है इसको, इससे डर नहीं लगता? अरे देखो मैंने आपसे कहा था ना यार, ये पूरे योगा के आसन करेगा क्या? पक 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 पक। वो देखो ये कूद के जा रही है। ये इनकी भाषा है ना। सुपर मम्मा वैसे आए तो हम यहीं से थे। नीचे से आके वाओ, नीचे से क्या कर रहा है पता नहीं क्या सीन है। वाओ अलग प्रजाति का हुआ है वो है ये हिरन है। वो देखो वो आया, उसका बेबी है। नीचे, नीचे का, रुको उसकी फोटो तो खींच के दिखाओ। कितने प्यार से खा रहे है ना। हेलो इंसान जैसे आते हैं बिल्कुल। मनमानुष कहते हैं ना इनको, गोरिल्लास कहते हैं। गोरिल्लास एकदम इंसान जैसा आते हैं। नाक देख रहे हो, हड्डी इंसान बाजू देखो। हिप्पोपोटामस खत्म हो गए। तो सुपर है कुछ को देखने मिला, टेंशन में आ गया था। टाइगर शेर वगैरह से किसी ने डरते नहीं है ये। तो बच्चा है, बड़े होते हैं। वो सो रहे हैं ना? हाँ, अंदर सो रहे हैं। वेजिटेरियन होता है। गोरिल्ला वाह भाई वाह। ये बेचारा कितना निराश है। अरे मान दे किस पोजीशन में बैठा हुआ है। वो देखो डॉल्फिन अपने आप ही खेल रही है। हाँ वेरी गुड, शो जो होता है ना बड़ा सुंदर होता है। बहुत से खेल रही है अपने आप ही खेल रही है। ब्यूटीफुल बैठ के होता है, मजा आता है बैठ के देख। बिल्कुल ही बंद नहीं है, मन कर रखा है इसका। लग जाएगी ना उनको। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, खूब दबा के खाना मिलता है। बढ़िया से बढ़िया माल इतना कमा रहे हैं, देख बंदे को आने में जाते हैं। वाह भाई वाह, एंटायर फैमिली टुगेदर। हाथी राजा जी, जंगली हाथी है, वाइल्ड एलिफेंट है। ओह वाओ इनके हाथी भी गोरे हैं क्या? ओ सुपर ये प्ले कर रहे हैं। वाओ इनकी टांगे देखो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी है और कितनी पतली हैं, इतनी पतली।
वो एक टांग पे खड़ी हुई है। ओ माय गॉड, ये देखो ये अपन आ गए हैं एंट्रेंस एक्वेरियम। चलिए भाई, वाओ सुपर, क्या बात है, ओ सुपर ऑसम है यार। डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं और ये क्या है भाई, ये तो बहुत ही ऑसम है। अरे बाप रे, ऐसा लगा बिल्कुल लाइन में खड़ी हुई हैं, क्या बात है। अन्य आराम से, छोटा बेबी है, बहुत ही बेहतरीन डिसिप्लिन। देखें भाई आप इनका, ऐसा लग रहा है किसी ने इनको स्टेशन कर दिया है, गजब है। ऐसा लग रहा है इनको सजा के ना स्टेशन कर दिया गया है। वाओ बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन, अपने बच्चों को इसे जरूर दिखाएं, हजारों बच्चों तक पहुंचना चाहिए ये। अनुज, इट सीम्स एज इफ दे हैव बीन ट्रेन्ड मैनी। सुपर ऑसम है भाई, क्या ही बात है, वाओ दैट इज सो लाइव। फिशेस का घर देखो अंश, हाउ मेनी कलर्स आर देयर, ओ माय गॉश, या यू सी दिस इज व्हाट यू गेट अंडर मरीन लाइफ। अनी कैन यू सी दैट फिश बिटवीन दैट ऑरेंज फर्न्स, टॉकिंग अबाउट दिस फिश, ओ माय गॉड, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर, बच्चों तक ये जरूर पहुंचना चाहिए भाई। आओ, हाँ क्या बात है, क्या बात है, प्रकृति का any look at this yellow one, look at this one, wow this got a dekhi re la so pretty and this is killing, this is killing, come and see it, oh wow that, look at this purple, ye dekha nahi, ye mujhe abhi tak ki sabse badi fish dikhi hai। मुझे फोटो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ये जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, बहुत कलरफुल, बहुत लाइव, शानदार शानदार। ये कैसे उड़ रहे थे, ये देख कैसे, ये देख इसका इसका तरीका देख, इसका स्विम करने का तरीका, हाँ इस वाले का देख, ये देखो ये भी एक तरीके का इकोसिस्टम है जहाँ बड़ी छोटी हर तरीके की हर कलरफुल मछलियाँ सरवाइव कर रही है। नहीं ये देखो, ब्राउन, येलो, सिल्वर, ब्लेस देम ऑल, सुपर। हाँ ये देखो वहाँ कोने पड़ी हुई, ये पानी में भी रहती है, धूप में भी रहती है, क्या कहते हैं इसको, सील, सील, तो मजे से धूप ले रही है। ये
ओपन लाइफ भी इनके यहाँ। तो अपन एक्वेरियम लाइफ तो देख चुके हैं, अब देखते हैं और क्या है। टेम्परेचर इज चेंजिंग नाउ। Where to go, where to go, where to go? This way. ये है हमारे टर्टल भाई साहब। कितने बड़े टर्टल हैं, मैंने तो इतना बड़ा टर्टल आज तक नहीं देखा भाई। बेहतरीन बड़े हैं आप तो। दो हैं नहीं, उधर भी है देखो। 300 का हाल था वो। छोटे छोटे टर्टल तो हमने बहुत देखे इंडिया में, लेकिन इतना बड़ा टर्टल मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। एक उधर भी है मम्मा, एक उधर भी है। एक वो कोने में पड़ा हुआ है। काफी बुजुर्ग लग रहा है ये। 300-400 साल उम्र होती है इनकी। तो भैया अब हम गए हैं बहुत ज्यादा थक। बहुत बड़ा जू है ये, अभी भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमने इसमें से काफी कुछ मिस कर दिया हो। बट आई रियली विश कि आपको ये जू की विजिट अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपने बच्चों को। Here we go to the exit of this zoo. It was a great. तो ये है ड्यूसबर्ग में, ड्यूसबर्ग का जू। बहुत ही फेमस जू है ये, और यहाँ पर स्टेशन बिल्कुल सामने ही है। तो आप अगर आसपास कहीं रहते हैं जर्मनी की किसी भी सिटी में, तो वेल एक्सेसिबल है, आराम से आ सकते हैं। Good place to visit. Thank you.